नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने कहा कि हाई स्कूल में पढ़ने के लिए अब पंचायत से बाहर नहीं जाना होगा। सतमलपुर में शिक्षा विभाग ने मध्य विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में परिणीत कर दिया है। अपग्रेड किए गए विद्यालयों में 2019-21 तक शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत संबंधित मध्य विद्यालय के अर्थाधारी शिक्षकों द्वारा कक्षा 9 और आगे की कक्षाओं में अध्यापन कराया जा रहा है। ज्ञात हो कि वर्ष 2019-21 से सभी अपग्रेड उच्च विद्यालय में पढ़ाई शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में आज वारिसनगर प्रखंड अंतर्गत सतमलपुर पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय उच्च माध्यमिक रहीमुद्दीन उर्दू विद्यालय सतमलपुर डेहरी के प्रांगण में एक दिवसीय अपग्रेड होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर साहिद अहमद ने की, वहीं कार्यक्रम का संचालन भरत भूषण ठाकुर ने किया। कार्यक्रम में शिरकत करने आए मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर, प्रखंड विकास पदाधिकारी अजमल परवेज सहित अन्य अतिथियों को फूल गुलदस्ता और चादर देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के बच्चों ने स्वागत गान गाकर किया। सभा को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने कहा कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के द्वारा सभी मध्य विद्यालय को अपग्रेड कर उच्च विद्यालय में परिणीत करके बच्चों के भविष्य को संवारने का काम किया गया है। अब बच्चों को उच्च विद्यालय में पढ़ने के लिए 5 या 10 किलोमीटर की दूरी तय नहीं करना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि उच्च विद्यालय में बच्चों के लिए बनाए जाएंगे 8 क्लासरूम, 3 लैब और बालिका कॉमन रूम, जहाँ बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड उत्क्रमित कंप्यूटर कक्ष और छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय एवं पेयजल की भी व्यवस्था होगी। उत्क्रमित किए गए उच्च विद्यालयों में आधारभूत संरचना विकसित करेंगे। हर एक स्कूल में 8 वर्ग कक्ष, 3 प्रयोगशाला, 1-1 प्रधानाचार्य कक्ष और कार्यालय कक्ष भी होगा। सभा को संबोधित करते हुए बीडीओ ने कहा कि बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइंस जारी होगी उसे विद्यालय में 100% उतारने का काम किया जाएगा। प्रोफेसर साहब, आज के इस मजलिस में बतौर खुशी और मेरे व्यक्तिगत अभिभावक भाई रामनाथ जी, यहाँ के बीडीओ साहब, बीओ साहब, सबसे पहले मैं इस मौके पर रहीमुद्दीन साहब को किराने अकीदत पेश करता हूँ। मैं उनको सलाम करता हूँ, मैं उनकी सोच को सलाम करता हूँ। उन्होंने आजादी के कमल, अभी जैसा कि मुझे मालूम हुआ, आजादी के कमल पूरे इलाके में जब एक भी ताली में नारा नहीं था, उन्होंने प्राइमरी स्कूल की बुनियाद और यहाँ अलग रहीमुद्दीन उर्दू प्राइमरी स्कूल की बुनियाद रखी। बाद में ये मिडिल स्कूल हुआ। सतमलपुर के रहीमुद्दीन उर्दू विद्यालय को उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय का दर्जा दिया गया, जो माननीय मुख्यमंत्री का सपना था कि हम गांव में ऐसे विद्यालय को ले जाता है, शिक्षा में लोग बेहतर ढंग से काम करके लोगों के जीवन शैली को सुधार कर सके। मैंने एक बार कलाम साहब का किताब मैंने
शहर छोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। तो सोच ऊंची अगर रखते हैं तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि खाने पीने से नहीं गिरता है, कोई जोड़ी है कर्म की साख को मिलाना होगा। खाने पीने से नहीं गिरता है, कोई जोड़ी है कर्म की साख को मिलाना होगा। क्यों सोचते हो तो अंधेरे वाली जिंदगी को अपने हिस्से के लिया खुद ही जलाना होगा। तो मेरी सोच रहेगी तो लगभग मेरी यदि हमसे बातचीत हो रही है तो फिर रह जाएगी तो शिक्षा के बारे में ही बातचीत हो रही है। कोई टॉपिक कोई काम आपको मिले शिक्षा इन्हीं विषय पर बात हो रही है। नहीं तो बहुत सारे लोग कॉल करते हैं कि हमको ये बेनिफिट नहीं मिला, हमको ये बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन इनके द्वारा जब भी बातचीत की जाती है तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए जो हमारे लिए खुशी होती है। मैं सोचता हूँ इस विद्यालय को कर्म किया गया है, शिक्षकों की कमी नहीं होगी तो नाइन्थ क्लास का स्टूडेंट इंदौर हुए हैं। मैं जब भी मौका मिलेगा तो यहाँ जरूर क्लास लेने आऊँगा, साइंस और मैथ का क्लास जरूर लेंगे। काफ़ी दिलचस्पी रहती है बच्चों को भी जाना है। हमेशा से मेरा यही रहा है कि बच्चों को भी जाकर के अपना जो भी दे सकते हैं वो बांटे, बच्चों को भी बांटे। इसलिए मैं साइंस मैथ का जरूर क्लास लेने यहाँ आऊँगा, जब भी मौका मिलेगा घर से मिलूँगा। बहुत सारी बात हुई शिक्षा व्यक्ति के जीवन को उत्कृष्ट छोटी का कहा जाता है कि बच्चा जब जन्म लेता है उसका मस्तिष्क को लेकर और शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जिससे सर्वांगीण विकास होता है। बाकी हम राजनीतिक विकास कर सकते हैं, सांस्कृतिक विकास कर सकते हैं, आर्थिक विकास कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा के द्वारा हम चाहे तो अलग अलग विकास को। तो शिक्षा से बहुत सारे बात हुई, हम जब आए थे विशेष रूप से बात करेंगे। समय चूंकि बहुत कम है इसलिए अपने मान के ध्यान देते हैं। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।